एक ओवरग्राउंड वर्कर है जैश का, मुदस्सिर खान, जो बाद में मारा भी जाता है। मुदस्सिर खान एक व्हाट्सएप स्टेटस पे वो पता करने की कोशिश कर रहा है किसने किया, और फिर जिलेटिन स्टिक की फोटो। इन आतंकवादियों के बीच कुछ ऐसा भी प्रोटोकॉल रहता है इस चीज को लेकर, जैसे एक तो आपने कहा नाम दिया जाता है, दूसरा इंटरनेट पर कितना एक्टिव रहना है, कितना संपर्क करना है, क्योंकि हमने बाद के केसेस में भी देखा जब वो पूरी जांच चलती है कि आरडीएक्स कहाँ से आया, क्या हुआ, कि किस तरह से वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है, चंडीगढ़ में पढ़ रहे एक स्टूडेंट की मदद दी जा रही है कश्मीरी, इस तरह की चीजें। क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी इनके लिए एक आगे चल के बड़ा ब्रेक थ्रू रहा होगा जब मुदस्सिर खान ने वो जिलेटिन स्टिक की फोटो भेजी। तो ये देखिए, जब भी हम काउंटर इंसर्जेंसी की बात करते हैं, अभी मुझे जो पूरा जो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी का ब्लूप्रिंट है कश्मीर में, उस बात से मुझे, मैं मुख्तलिफ हूँ, और उस बात से मुझे थोड़ा सा ऑपोजिशन ये है कि किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड का फाइनल रिजल्ट जो परिणाम, इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि हमने पिछले 6 महीने या 3 महीने या 1 साल में जैश या हिजबुल मुजाहिदीन या लश्करे तोयबा के कितने आतंकवादियों को मार गिराया। ये बात हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सुनते हैं, ऐसे एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी सुनते हैं, आर्मी करती है या पुलिस करते हैं, कि मार्च से सितंबर तक हमने 60 आतंकवादियों को मारा है, जिसमें 5 कमांडर थे, 4 पाकिस्तानी थे। ऐसे कमांडरों को और जो भी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाता है और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करता है, उनको मारना जरूरी है, लेकिन ये काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड का फाइनल गोल नहीं हो सकता। मेरे लिए ये जानना जरूरी है, और कि मुदस्सिर जैसा आदमी, मिसाल के तौर पर, जैसे उसके पिता कहते हैं कि वो उसको यूनिफॉर्म का बहुत शौक था, वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेलता था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो अल्टीमेटली उसने सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की वर्दी नहीं पहनी, एक जैश के जो टेररिस्ट है, जो स्टेट के खिलाफ लड़ाई उठाता है, और उसके जहन में इस बात का भी उसको अंदाजा है कि वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जब वो उस ऑर्चर्ड में सेब के बाग अपने में बाप से अपने आके मिलता है। बाप से जाके, पिता से जाके मिलता है, उसको मालूम है कि उसके दिन गिने चुने हैं, और ये मोस्टली सारे आतंकवादियों को वहां मालूम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो काउंटर इंसर्जेंसी का ये जो स्ट्रेटेजी है, ये भी हिंदुस्तान भारत को कहीं ना कहीं बदलनी होगी, ताकि मुदस्सिर जैसे नौजवान, इससे पहले कि वो लश्कर या जैश को ज्वाइन करें, और ऐसे आदमी जिनको यूनिफॉर्म का ग्लैमर है, वो कम से कम उन तक उनको टारगेट किया जाए, ताकि वो इस डेंजर, इस डार्क वेब में पढ़ने से पहले ही उनको एक स्टेट का जो हस्तक्षेप हो वो हो, और उनको सही दिशा में ले जाए। तो उनको मेरे सही दिशा लिए मिले, और इन लोगों को बरगलाने वाले जितने ये बिल्कुल जमात के लोग हैं, ये जो वहां तकरीरें करने वाले मौलाना हैं जो बार बार आजादी और इन सब चीजें, उन पे शिकंजा कसा जाए। हुर्रियत के लोग हैं सब लोग। अब ये मदरसे हैं जैसे सिराजुल उलूम है, और इस तरह के मदरसे हैं जहाँ पर कई सारे लोगों पे, कई सारे टीचर्स पे पुलिस ने पीएसए भी लगाई, जी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी उनको गिरफ्तार किया है। तो ऐसे फाउंटेन हेड्स हैं जहाँ से इस तरह के लोगों को तैयार किया जाता है। जब तक उसके सोर्स पे, स्रोत पे इंडियन स्टेट वार नहीं करती, तब तक ये काउंटर इंसर्जेंसी की फुल फ्लेजेड विक्ट्री नहीं समझी जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो वरना रिप्लेस होते रहेंगे, आते बिल्कुल रिप्लेस होते रहेंगे, रहेंगे, आप एक्सपेंडेबल मारते है। जी रहोगे, आपके स्टेट के तौर पे आपके लिए बढ़ता रहेगा जी काम। जी और ये एक फर्टाइल ग्राउंड है, साउथ कश्मीर आज की तारीख में एक फर्टाइल ग्राउंड के रूप में उभर रहा है, और इसमें कजिन है, फिर उसका मौसेरा भाई, फिर उसका चचेरा भाई, फिर उसका चाचा, फिर उसका ताया, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स वेब्स चलती रहती हैं। और जैश का चूंकि नेटवर्क है, और तरह तरह के स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, और तरह तरह के लोग मस्जिदों में कुछ सुन रहे हैं, मदरसों में कुछ सुन रहे हैं, सबके पास मोबाइल हैं, दाबिक आइसिस का लिटरेचर उनके पास आता है, तरह तरह की चीजें हैं जिनसे उनका ब्रेन वॉश संभव है। छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों से कई तरह की चीजें सुनते हैं। जब तक इस चीज पर क्रैक डाउन नहीं होता, तब तक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहेगी कि मुदस्सर और सज्जाद और आदिल और शाकिर और वैजुल इस्लाम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और इतने इनमें से कुछ ब्राइट बच्चे हैं, ब्राइट नौजवान हैं, जिनका मुस्तकबिल, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता था, लेकिन वो इस
अंधेरे में जाकर वो अपनी जान गंवाते हैं, अपने पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, और कई उस प्रोसेस में कई सारे बेगुनाह लोगों की, कई सारे जवानों की जान भी ले जाते हैं।